दोस्तों, आप में से काफ़ी छात्र ये चाहते हैं कि झारखंड में जल्द से जल्द JTET की परीक्षा हो, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। इसको मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल बनाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ आज के पेपर में आई है। क्या लिखा है? आकलन परीक्षा के बाद होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है? आकलन परीक्षा के बाद होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी JTET परीक्षा आकलन परीक्षा के बाद होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आकलन परीक्षा कब होगी और JTET कब होगी। तो देखिए दोस्तों, आकलन परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार पूरा पढ़ के आपको सुनाते हैं। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET परीक्षा का आयोजन आगामी सितंबर माह में किया जा सकता है, गारंटी नहीं किया जा सकता है। राज्य के स्कूली शिक्षा हम साक्षरता विभाग ने पहले सहायक अध्यापकों पारा शिक्षक के लिए आकलन परीक्षा का आयोजित करने का निर्णय लिया है, यानी पहले ये आकलन परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से इसको लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दिया गया है। जुलाई में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार ने कहा है कि विभाग पहले आकलन परीक्षा पूरी करने पर फोकस कर रहा है, इस कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन में थोड़ा और समय लग सकता है। इसके अनुसार विभाग शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर गंभीर है। प्लस टू स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों तथा प्रयोगशाला सहायक शिक्षकों की नियुक्ति अधियोचना झारखंड कर्मचारी चयन के आयोग को भेजी जा चुकी है। माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति भी अधियोचना शीघ्र भेज दी जाएगी। बता दें आपको, 2016 के बाद JTET की परीक्षा नहीं हुई है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं, ये लिखा है। दोस्तों यहाँ पर आपको तीन पॉइंट पर ध्यान देना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने के सचिव ने कहा, पहले आकलन परीक्षा पूरी करने के लिए फोकस किया गया है, यानी JTET परीक्षा बाद में होगी। देखिए, जुलाई माह में होनी है आकलन परीक्षा, इसके बाद शुरू होगी TET परीक्षा। और यहाँ पर और एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, सरकार जो है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर गंभीर है। प्लस टू स्कूलों में स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित शिक्षकों तथा प्रयोगशालाओं शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है। अधियाचना मतलब जल्दी से जल्द बहाली लेने का अधियाचना जारी हो चुकी है। मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि JTET परीक्षा सरकार नहीं लेने वाली है, यानी JTET परीक्षा आपका है उसको सरकार नहीं लेने का अभी मोड में है। सरकार बार बार कहती है कि द्वितीय चरण का बहाली में JTET लेंगे, उसके बाद टीचर बहाली करेंगे। ऐसे में क्या है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो CTET पास छात्र हैं उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। CTET को माइंड किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है, यदि आप मिलजुल के काम करोगे तो। जो भी चाहते हैं कि झारखंड में CTET को माइंड किया जाना चाहिए, वो नीचे लिंक दिया होगा हमारे ग्रुप का, उस पर जुड़ जाएंगे और सबका साथ देंगे। सबका साथ सबका विकास तभी होने वाला है। बाकी बात, अगर नहीं साथ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बाकी बात, जो JTET का वेट कर रहे हैं वो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको समय समय पे इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ कि JTET परीक्षा नहीं होने वाला है। JTET आपका द्वितीय चरण में, यानी सेकेंड चरण का जो बहाली होगा उसमें होगा, उसके बाद बहाली होगा। ऐसे में जो JTET का इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार करना छोड़ दीजिए मेरे हिसाब से। यदि आप CTET पास हैं तो CTET पर ध्यान लगाइए, CTET के लिए आंदोलन कीजिए, आप 100% शिक्षक बहाली में भाग ले सकते हो। बाकी बात, आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।